पिछली वीडियो में बात की थी पीआईसीबी वॉल्स के बारे में, तो मैं आपके सामने पीआईसीबी वॉल्स लेकर आया हूँ। ये पैक्ड पीआईसीबी वॉल्स है, इसको भी हम खोलेंगे, इसको देखेंगे इसके अंदर से क्या क्या निकलता है, और इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी कमीशनिंग के बारे में बात करेंगे, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इसके जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मेरे सामने पीआईसीबी वॉल्व है, इसका जो मेक है फ्लोकॉन आपको दिख रहा है, ये फ्लोकॉन का है। काफ़ी मेक के आते हैं, फ्लोकॉन के भी आते हैं, डैनफोस के भी आते हैं। तो ये मेरे पास एक 25 mm डाया का फ्लोकॉन का पीआईसीबी वॉल्व है। जैसा कि आप लोगों को पता है पीआईसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वॉल्व। पीआईसीबी वॉल्व को हम बैलेंस ऑटो बैलेंसिंग कम टू वे वॉल्व भी बोल सकते हैं। ये इसको लगाने का एचयू में लगाने का इसका एक पर्पस ये होता है कि ये जो हमारी बैलेंसिंग वॉल होती है, अगर हम टू वे वॉल लगाते हैं तो उसके साथ हमें बैलेंसिंग वॉल भी एचयू में लगाना पड़ता है। तो जब हम पीआईसी वॉल लगाते हैं तो हमें बैलेंसिंग वॉल लगाना नहीं पड़ता है, ये टू वे वॉल का भी काम करता है और वाटर के फ्लो को एचयू के अक्रॉस बैलेंस भी करता है। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करता है वो हम बताएंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने बॉक्स ओपन किया है, आपके सामने ये पीआईसी वॉल निकला है, ये ब्रास का है, और इसका एक डेड प्लग निकला है। ये डेड का भी क्या यूज है वो भी बताएंगे, और इसके अंदर से आप देखेंगे ये जो दो नॉब्स निकली हैं, आपको ये दो नॉब्स कहाँ पे लगती हैं, क्यों लगती हैं वो भी बताएंगे। तो आप देख रहे हैं ये फ्लोकॉन यहाँ पे इसका लिखा हुआ है जो मेक है फ्लोकॉन। उसके बाद आप इसकी दूसरी साइड में देखेंगे DN 25 और 32, मतलब ये 25 डायामीटर के पाइप में भी हम इसको लगा सकते हैं, और 32 mm के भी पाइप में डायमीटर में हम इसको लगा सकते हैं। एक लड़के ने क्वेश्चन किया था कि सर हम एक्चुएटर जो पीआईसी वॉल होता है उसको हम हमेशा पाइप के डाया से एक डाया छोटा क्यों रखते हैं, जैसे अगर 32 का है तो हम 25 का उसमें पीआईसी वॉल लगाते हैं, अगर 65 का तो हम उसमें 50 का क्यों लगाते हैं। ऐसा कोई थम रूल नहीं है, ऐसा हम करते भी नहीं है। होता क्या है कि जो हमारा पीआईसी वॉल बना होता है वो 2 से 3 डाया के लिए वो डिजाइन होता है। एक्चुअली होता है क्या, इसमें फ्लो पे ये बेसिकली बना होता है। जो ये पीआईसी वॉल है इसका जो फ्लो होगा वो हो सकता है 50 से लेकर 80 GPM तक का है, बट मुझे इसमें 60 GPM निकालना है, 60 GPM एचयू को देना है, तो मैं क्या करूंगा 25 वाले में भी इसको लगा सकता हूँ, और जहां पे 80 GPM मुझे एचयू में देना है वहां पे 32 का पाइप होगा तो हम 32 वाले में भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है, ये 50 से 80 तक पानी को अपने से निकाल सकता है, उससे ज्यादा और ना ही कम वो आने जाने देगा, तो इसलिए हम करते हैं। आप कभी कभी देखोगे कि 65 वाले डाया में 65 का लगा रहेगा और 65 वाले डाया में 50 का लगा रहता है, बट वो जीपीएम पे टोटली डिपेंड करता है, साइज का कोई मैटर नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंस्टॉल करेंगे इसको। इंस्टॉलेशन के लिए आपको आप देखेंगे ये एरो दिख रहा होता है, जिस तरह से पानी आ रहा है एचयू से क्या होता है, इसको सबसे पहले तो हम रिटर्न पे लगाते हैं पीआईसीबी वॉल को। जब एचयू से पानी निकल रहा होता है और निकलकर चिलर की तरफ जा रहा होता है, तो ये आप डायरेक्शन देखेंगे, तो सबसे पहले ये डायरेक्शन देख के इसको कनेक्ट करेंगे। आप ये देखेंगे थ्रेडेड है, जो बड़ा साइज का होता है, जो बड़ा डायमीटर होता है 65-50 में, ये फ्लेंज टाइप के आते हैं। तो ये पीआईसीबी वॉल आपको एक समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह का होता है। अब पीआईसी वॉल के अंदर क्या होता है, ये कैसे कंट्रोल करता है वाटर के फ्लो को, कैसे कंट्रोल करता है, और एज ए टू वे वॉल एक्चुएटर ये कैसे काम करता है वो मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर जो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन, या इसका प्लंजर भी बोलते हैं, आप ये देख रहे हैं ये इसको पीआईसी वॉल बनाता है। इसकी वजह से ये टू वे वॉल कम पीआईसी होता है, आप समझ रहे हैं। ये क्या, इसके अंदर आप देखेंगे स्प्रिंग, अगर आपको ये स्प्रिंग दिख रही होगी तो इसके अंदर स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग होती है, ये प्रेशर जो वेरी करता है, प्रेशर के वेरी करने से ये स्प्रिंग क्या होती है, एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसकी वजह से कोई भी प्रेशर, अगर चिल्ड वाटर लाइन में प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये प्रेशर बढ़ रहा है तो भी ये 40 GPM जाने देगा, प्रेशर घट रहा है तो भी 40 GPM जाने देगा, ये इसकी खासियत है। और अब आप देखेंगे ये नॉब लगा हुआ है, ये नॉब के हम ऊपर एक्चुएटर लगाएंगे। होता क्या है, आप ये देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस पे लिखा हुआ है, ये ऑटो एडजस्टिंग ऑटो बैलेंसिंग है। अगर सपोज कर लीजिए ये 50 से लेकर 80 GPM तक का है, पानी निकाल सकता है,
तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मुझे 50 GPM चाहिए तो मैं इसको 3 पे सेट कर दूंगा। ये आप चाबी लाएंगे, चाबी से इसको सेट कर देंगे 3 पे, तो ये उतना GPM ही निकलने देगा। अगर आपको 80 GPM चाहिए तो आप इसको फुल्ली ओपन सेट करें। आप ये देख रहे हैं एरो भी है, अब आपने एडजस्ट कर लिया, अब ये ऑटोमेटिकली उतना ही पानी आपको डिलीवर करेगा। अब ये टू वे वाल्व की तरह कैसे एक्ट करता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं, एक्चुअली होता है कि इसको आप दबाएंगे तो आप ये देखेंगे ये चीज क्लोज होती जाएगी। यहां से ही पानी आता है और ये यहां से पानी निकलता है, सॉरी यहां से पानी आता है और ये जो देख रहे हैं ना, ये जो कटआउट देख रहे हैं, पानी यहां से निकलता है। तो आप ये देखेंगे जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, ये से मेरी उंगली से नहीं दबेगा, ये बहुत हार्ड होता है स्प्रिंग। जब मैं इसको ऐसे प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये बंद हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, काफी मुझे ताकत लगानी पड़ रही है। ये देखिए ये बंद हो गया। तो ये अब होता क्या है, अगर टेम्परेचर अचीव हो जाता है 24 डिग्री सेल्सियस आपके रूम में अचीव हो गया है, तो यहाँ पे एक एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर इस स्प्रिंग को पुश करेगा, दबाएगा ताकि ये वॉल्व बंद हो और यहाँ से पानी एचयू से कम फ्लो हो ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो, 24 डिग्री से और ज्यादा नीचे ना आए, 20 डिग्री ना हो जाए। तो इसलिए आप देखेंगे मैं दबा रहा हूं तो ये क्लोज हो रहा है। अब ये 100% क्लोज हो गया है। अब क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर आपको हाफ 50% पे चलाना है तो एक्चुएटर आपको इसको 50% का कमांड देगा, ये 50% पे रहेगा, और जो अगर 80 GPM पानी जा रहा था वो उसको 40 GPM कर देगा। तो ये मेम्ब्रेन जो प्लंजर है ये इसका एक तरह से हार्ट है इससे PICV वॉल्व का। तो अब क्या होता है, कभी कभी आप देखेंगे जैसे स्ट्रेनर चोक होता है वैसे हमारे ये PICV वॉल्व भी चोक होते हैं, फ्लो कम हो जाएगा। एक्चुएटर 100% ओपन है, वाल्व 100% ओपन है, बट फ्लो कम हो जाएगा। तो होता क्या है, आप इसमें देखेंगे ये जो है ना प्लास्टिक, ये जो कटआउट देख रहे हैं इसमें कचड़ा आ जाता है, चिल वाटर लाइन में पानी में कचड़ा होता है, ये कचड़ा इसमें फंस जाता है। तो ये जो डेड मैं आपको दिखा रहा था ये डेड इसके लिए दिया जाता है ड्यूरिंग कमिश्निंग। कमिश्निंग से पहले आपको करना क्या है, इस मेम्ब्रेन को आपको निकाल के अलग कर देना है और इसके अंदर ये देखें ये खाली हो गया, इसके अंदर इस डेट को आप लगा दीजिए। आप इस डेट को लगा दें और उसके बाद इसके अंदर से पानी, एचयू के अंदर से पानी सर्कुलेट करें ताकि क्या होगा, जो भी कचड़ा होगा वो कचड़ा निकल जाएगा। कचड़ा निकलने के बाद, ये प्री कमिश्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, आप जब आपको सिस्टम को ऑपरेशन में चलाना है तो इस सिस्टम को चलाने के लिए आप ये इसको लगा दें, ठीक है दोस्तों। अब ये लगा दें, ये टाइट हो जाएगा, अब ये आपका PICV भी काम करने लगेगा, इसके ऊपर एक्चुएटर माउंट कर दें, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, कैसे चेक करेंगे कि जो वाटर का फ्लो है 50 GPM जो जा रहा है वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, उससे कम जा रहा है या ज्यादा जा रहा है। तो इसके लिए आप देखेंगे ये दो नॉब दिया हुआ है, ये आप देखेंगे ये लो साइड का है और ये हाई साइड का, मतलब सॉरी ये हाई साइड है ये लो साइड है। पानी इधर से आ रहा है, प्रेशर ज्यादा होगा, इधर से पानी निकल रहा है तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो हम करते क्या है, इस दोनों नॉब को यहां पे लगा देंगे, ये आपको ड्यूरिंग ऑपरेशन भी, नॉर्मल ऑपरेशन में भी आपको ये लगा कर रखना है। जब आप इसका इंस्टॉलेशन करेंगे तो आप इसको इस नॉब को आपको लगा कर ही इंस्टॉल करना है। तो आप ये देखेंगे आपको इसको ये खोलना है, ये वाला ये देख रहे हैं ये पॉइंट है, इसको ये खोल के हटाना है, ये खोलकर हटा देना है और यहाँ पे एक आपको डिफरेंशियल मैनोमीटर लाना है। मैनोमीटर का एक हाई साइड वाला पॉइंट यहाँ पे लगाओ और लो साइड वाला यहाँ पे लगाओ और आपको डिजिटली रीडिंग आ जाएगी कितना प्रेशर ड्रॉप है। उस प्रेशर ड्रॉप से इसका एक चार्ट आता है, चार्ट पे आप देख लेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ टन पे, अगर 3 नंबर्स ऑफ टन हमने इसको ओपन किया है तो नंबर्स ऑफ टन पे कितना GPM फ्लो जा रहा है, इसका चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आपको चार्ट चाहिए होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो बेसिकली ये होता है। अब ये कैसे काम करता है, ये दो तरीके से काम करता है, एक इस पे एक्चुएटर है तो एक्चुएटर को या तो हम थर्मोस्टेट लगा दें, थर्मोस्टेट से इसको हम कमांड देंगे एक्चुएटर को, वो 0 to 10 volt में कमांड मिलेगी। थर्मोस्टेट को हम एचयू के रिटर्न पे लगा दें जहाँ पे रिटर्न एयर आ रही है, अगर रिटर्न एयर 25 डिग्री सेंस करता है तो ये इसको कमांड देगा कि भाई तुम ओपन हो जाओ। जैसे रिटर्न एयर 23 डिग्री हो जाएगी इसका मतलब रूम में टेम्परेचर अचीव हो गया है, ये इसको कमांड देगा कि तुम धीरे धीरे 40% 30% 20% वॉल्व को क्लोज कर दो जिससे एचयू के अंदर चिल वाटर का सर्कुलेशन कम हो जाए और टेम्परेचर बना रहे, मेंटेन रहे। एक दूसरा मेथड और है, हम इसको BMS से भी चलाते हैं, BMS से हम इसको 0 to 10 volt देंगे। BMS में क्या करते हैं, हम इसको BMS में चलाने के लिए इसके अंदर जो वॉल्व लगा होता है, जो एक्चुएटर लगा होता है, एक्चुएटर को हम 24 volt और प्लस 0 to 10 volt की कमांड की वायर कनेक्ट करते हैं। और AHU में आप देखेंगे रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर सेंस करता है और फिर वो उसको कमांड देगा एक्चुएटर को।
जो थर्मोस्टेट काम करता है सेम एज इट टेम्परेचर सेंसर भी ऐसे काम करके बीएमएस से इसको कमांड देता है और ये ओपन और क्लोज होगा, इस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों ये आप तो 25 और 32 डाया का देख रहे थे, मेरे पास एक और है जो इससे काफ़ी बड़ा है, ये आप देख रहे हैं ये 40 से 50 mm डाया का है। अब सपोज कर लो आपका पाइप है 50 mm डाया का और मैंने इसको लगा रखा है, तो लोग बोलेंगे ये सर आपने 40 का क्यों लगाया है। तो ये बेसिकली जीपीएम पर डिपेंड करता है, अगर मेरे एचयू का जीपीएम कम है तो मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर दूंगा, और ये भी सेम ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ से एडजस्ट कर दूंगा तो जिससे जीपीएम कम जाएगा। और ये भी आप देख रहे हैं ये भी थ्रेडेड है, थ्रेड की तरह होगा, इसमें भी आप प्लंजर देख रहे होंगे जिसको मेम्ब्रेन बोले, अंदर अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा वो दिखाएंगे। तो इसके अंदर भी ये सेम इसका काम है, आप ये देख रहे हैं ये कटआउट है, ये कटआउट इसका जो है यहाँ से पानी वापस आएगा, और ये देख रहे हैं ये जो स्लॉट कटा हुआ है ये पानी यहाँ से इसमें अंदर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है ऑपरेशन के टाइम पे इसको आपको महीने 2 महीने 3 महीने पे इसका मेम्ब्रेन निकाल के साफ भी करना होता है ताकि ये आपके मतलब ऑपरेशन में ये दिक्कत ना हो, कचड़ा ना फंस जाए। तो दोस्तों ये था पीआईसीबी वॉल्व के बारे में डिटेल्स, फुल्ली डिटेल्स। आपको ये डिटेल हो सकता है और कहीं वीडियो पे ना मिले क्योंकि जिस किसी दूसरे चैनल पे, तो होप्स हो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए प्रैक्टिकली तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, आप इक्विपमेंट का नाम बताएं, मैं आपको वैसे प्रैक्टिकली इस तरह से आप